स्वागत है आपका फिर से मेरे ज्योति का चैनल में, जिसमें मैं रोज़ आपसे कुछ घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ रिलेटेड टू हेयर स्किन एंड हेल्थ। तो आज जो घरेलू नुस्खा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है कि कैसे आप गर्मी से बच सकते हैं। दोस्तों, गर्मी यूँ तो सबको ही पसंद होती है, इसमें आप अपने मन पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, बट इसके बहुत दुष्प्रभाव भी होते हैं व नुकसान भी होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मई का महीना आ गया है और दोपहर के टाइम जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आपको चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ता है, तो उससे कैसे निपटें या इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं आइए जानते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर मेरी रोज़ की वीडियो की अपडेट्स पाते रहिए। दोस्तों, इट मैटर्स अ लॉट टू मी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि गर्मी के क्या नुकसान व दुष्प्रभाव हैं। दोस्तों, लू लगना, चक्कर आना, घबराहट होना, डिहाइड्रेशन होना, उल्टी, दस्त आना, सन टैनिंग होना, घमोरिया आदि गर्मी के दुष्प्रभाव हैं। ये जानते हैं कि इन दुष्प्रभाव से आप कैसे बचें। टिप नंबर वन, दोस्तों जितना हो सके आप गर्मी में गर्मी से रहित कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, जैसे कॉटन, खादी आदि। ऐसा करने से आपको पसीना नहीं आएगा। टिप नंबर टू, दोस्तों जितना हो सके आप खूब पानी पिए। ऐसा करने से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वह अगर आप पानी नहीं पी पाते हैं तो आप पानी से रहित फल खाएं, जैसे तरबूज, आम वगैरह। ऐसा करने से आपकी पानी की कमी दूर होगी। टिप नंबर थ्री, दोस्तों धूप में बाहर निकलने से पहले आप घर से स्कार्फ व कैप पहन के निकले। ऐसा करने से आपके चेहरे व सिर पर कोई भी यूवी रेस इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। टिप नंबर फोर, दोस्तों आप जितना हो सके आम पन्ना, दही, लस्सी, छाछ, मैंगो शेक, नारियल पानी, कोल्ड टी, सत्तू, जलजीरा, नींबू पानी आदि ऐसे पिए। इसके पीने से डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, लू लगना ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। टिप नंबर फाइव, दोस्तों धूप में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं, और ध्यान रखें कि सनस्क्रीन लोशन में SPF 30 से ज़्यादा हो। टिप नंबर सिक्स, दोस्तों जैसे कि यूवी रेज हमारे चेहरे और सिर को इफ़ेक्ट करती है, वैसे ही हमारे आंखों पे भी इफ़ेक्ट करती है, तो इसीलिए जब भी बाहर निकले सनग्लासेस ज़रूर पहने। टिप नंबर सेवन, दोस्तों गर्मी में अपने बालों को 2 से 3 बार जरूर धोएं। ऐसा करने से आपके बालों में चिपचिपाहट नहीं रहेगी व रूसी की समस्या भी नहीं आएगी। टिप नंबर एट, दोस्तों गर्मी में बाहर का खाना खाना अवॉइड करें। ऐसा करने से आपको पेट की संबंधित बीमारियां नहीं लगेंगी। टिप नंबर नाइन, दोस्तों आपको अगर टैनिंग हो गई है तो आप उसे भी हटा सकते हैं दोस्तों, पर उसे हटाने के लिए सिर्फ घरेलू नुस्खों को ही अपनाएं। रोज या एक दिन छोड़कर ऐसे घरेलू नुस्खों को अपनाने से आपकी स्किन नेचुरल ग्लो करेगी व आपकी सन टैनिंग भी हटेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि आप घरेलू नुस्खों से अपनी सन टैनिंग कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों, आप बेसन और हल्दी का मिक्सचर लेके भी अपनी सन टैनिंग हटा सकते हैं। दूध या नींबू रस लेकर भी, बेसन, हल्दी, नींबू रस, मलाई लेकर भी व टमाटर प्लस नींबू रस कर लेकर भी आप अपनी सन टैनिंग हटा सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में सबके बारे में बता रखा है, आप चेक कर सकते हैं। टिप नंबर टेन, दोस्तों अगर आपके हाथ या पैर की टैनिंग हो गई है और आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप रोज़ाना कच्चे दूध की मसाज करें। कच्चे दूध टैनिंग हटाता है व स्किन को गोरा भी बनाता है। तो दोस्तों, आपको ये नुस्खे कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और धूप में जाने से बचिएगा। अगर आपका बहुत ही ज़रूरी काम है तो ही धूप में निकले और इन नुस्खों को अपनाएं व गर्मी से राहत पाएं। मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए घरेलू नुस्खे के साथ, तब तक के लिए गुड बाय यू ऑल।